हमने वोट मांगा उनके लिए, उनका चुनाव जिताया। चुनाव जिताने के बाद इस बार 2020 में जो शर्त था इसी हिसाब से हम पहुंचे। फिर अपना बायोडाटा माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को हमने दिया। उनके आश्वासन के बाद आप अपने आप को कैंडिडेट मानकर? जी बिल्कुल, पूरा मेहनत की। हाँ, हम अपने आप को कैंडिडेट, जब हमको तो आश्वासन, पूर्णता आश्वासन मिला था। हम क्षेत्र में हैं रात दिन। अब जान लीजिए कि कोरोना ऐसे महामारी में हम हर क्षेत्र में, जो कि कोई लोग बाहर नहीं निकलना चाहता था, उस परिस्थिति में हर समाज में गरीब तबके के लोगों को हमने सूखा राशन, और जो भी मजदूर हमारा बाहर में थे आने के लिए उनको कोई साधन नहीं था, यहाँ तक कि उनके खाते में हमने पैसा भेजा है। और लगातार पूरे कोरोना काल में सैनिटाइजर का काम हो या गरीबों के बीच राशन वितरण का काम हो, हमने करते रहा। यह नहीं डरा कि यह ऐसी महामारी में हमें कोरोना भी हो सकता था, फिर भी हम क्षेत्र में लगे रहे, जनता की सेवा हमारा दिन करते रहे। बाढ़ जैसी विपत्ति में भी आप देखिएगा कि हम कहीं दूर दूर जाके नाव करके भी हम लोग के बीच जाके उनके राशन को उपलब्ध कराया है। रात दिन क्षेत्र में हमने मेहनत किया है, और जब समय आता है तो 20 की बारी जब आई तो हमने इतना मेहनत करने के बाद, हमें तो उम्मीद था कि टिकट तो मेरा फाइनल ही है, और सब जगह से हमको सूचना भी मिला कि नहीं, आपका टिकट फाइनल है। जब अंतिम दौड़ में देखा गया तो लिस्ट जब जारी हुआ तो उसमें लक्ष्मीकांत मंडल का नाम आया। हम कहते हैं ये नाथनगर विधानसभा पहले से भी 10 साल ऐसे आदमी को झेला है। अजय मंडल जी विधायक रह चुके हैं नाथनगर विधानसभा के, जबकि कहलगांव विधानसभा के वो रहने वाले हैं, और आज तक वो चुनाव में भी दर्शन नहीं मिलता है, और कहता है चुनाव में तो वोट नीतीश के नाम पे दिया जाता है, हमें कोई वोट नहीं देता, स्पष्ट बात कहते हैं वो। और ऐसे आदमी को बार बार टिकट दे के 2 बार विधायक बनाया नाथनगर की जनता। अब तो सांसद भी है इस बार फिर से, अब माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सांसद का टिकट दे दिए, फिर जाके यहाँ की जनता उनको सांसद बना दिए। क्या आप लोग को सबको पता नहीं है, जनता को पता नहीं है कि आज उनसे बात करना भी मुमकिन नहीं है, बात नहीं हो पाती है, कभी क्षेत्र में दिखते नहीं है, चाहे वो कोरोना का काल हो, कहीं दिखाई नहीं देता है। दिखाई दिया है क्या? कहीं दिखाई नहीं देता है, ना किसी से फोन से बात होता है, ना किसी परिस्थिति में वो क्षेत्र घूमते हैं।